जबकि प्रसिद्ध में तो इतने ही है कि चोरपाणि यात्रा में नहीं देना, तब उत्तर काला पूर्व कालामृत ग्रंथ में है। महाकवि कालिदास ने ऐसा क्यों लिखा? राजा विक्रमादित्य जिनका संवत चल रहा है तो उनके दरबार में नवरत्न रहे, उसमें कालिदास का भी स्थान है, तो वो उसका लिखते हैं। इसका मतलब है कि सर्वांगीण विचार है, जिसको चतुरस्त्र विचार कहते हैं हमारे शास्त्र में, तो चतुरस्त्र विचार के हिसाब से ये मुहूर्त है। और ऐसे मुहूर्त तो कोई हमारे सोचने से नहीं आते, जब भगवान की ही इच्छा वैसी है कि अब कायम का यहाँ रहना है और विश्व को सुधारना है, तब वो मुहूर्त मिला है। इसको पंचांग वालों नहीं दिया तो रह गया भगवान की इच्छा। कभी कभी कोई चीज विशेष प्रसंग से ही प्रकट होती है, उस तरह का यह मुहूर्त है। क्या मुहूर्त है महाराज जी, समय क्या? हाँ बता रहे, पौष शुक्ल द्वादशी मृगशीर सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र दिनांक 22 जनवरी 2024 के दिन दोपहर अभिजित मुहूर्त में मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में लगभग 12:30 बजे का वो मुहूर्त है। इसमें प्रतिष्ठा होगी। इसमें मेष लग्न में गुरु है, गुरु की 5वें स्थान पर 7वें स्थान पर और 9वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है, इसलिए इससे बढ़िया तो कोई मुहूर्त मिल नहीं सकता। मेष लग्न चूंकि चर लग्न है और प्रतिष्ठा तो कायम क्यों नहीं, इसलिए इसमें नवांश स्थिर लिया गया है। वृश्चिक नवांश उस समय बलवान है, उसके अनुसार उससे मुहूर्त है। अब कुछ लोगों ने प्रश्न निकाला कि उत्तराषाढ़ा में सूर्य है तो उसका वेद आ जाता है इसको मृगशीर्ष नक्षत्र को, इसलिए ये पाप ग्रह से विद्ध नक्षत्र है तो गलत दिन है, ये प्रश्न किया है। लेकिन उसका उत्तर यह है कि उत्तरा अश्विनी से लेकर रेवती तक के जो नक्षत्रों की गणना होती है सामान्य स्थिति में तो 27 होती है, लेकिन कुछ कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए 28 नक्षत्र माने गए हैं। तो 28वें नक्षत्र में एक अभिजित नक्षत्र आता है, तो अभिजित नक्षत्र की क्या स्थिति है? उत्तराषाढ़ा के 4 टुकड़े करके 3 चरण पहले 3 टुकड़े पहले निकल गए तो चौथा चरण और श्रवण का थोड़ा प्रारंभिक भाग, इसको लेके एक अभिजित नक्षत्र बनता है। तो उस दिन सूर्य अभिजित में है। अभिजित का मतलब है कि धनु राशि के बाद 6 अंश 40 कला पार हो गई तो अभिजित में जाएंगे। तो 40 कला तो धनु राशि में 6 अंश धनु राशि के बाद 6 अंश और 40 कला तो रात ही को या भोर तक खत्म हो जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।